हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। ओके, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे कि हमने सर बीम तो डिज़ाइन कर ली है, बट हमें अगर कॉलम पे लोड निकालना है, एक्चुअल लोड, टोटल लोड कितना आएगा वो हमें कैसे निकालना है। तो ये एक एग्जांपल जो हम मैरिज हॉल का डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है, ये इसका प्लान है और ये इसका एलिवेशन है, ठीक है। 3.2 मीटर का फ्लोर टू फ्लोर हाइट है और ये पैरापेट वॉल जा रहा है। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। ओके, बीम पे लोड क्या आएगा ये हम ऑलरेडी एक्सेल शीट के थ्रू एक डिज़ाइन कर चुके हैं, वो वीडियो आप देखोगे तो बीम पे टोटल लोड आपको पता लग जाएगा, टोटल लोड कितना आएगा। तो ये हमने एक शीट प्रिपेयर करी थी कि बीम पे लोड कैसे निकालते हैं। सिंपली आप अपना डाटा डालोगे, सबसे पहले आप स्लैब्स का लोड निकालेंगे हम, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब्स होती हैं, जैसे कैंटिलीवर हो गया, वन वे सिंपली सपोर्टेड, वन वे कंटिन्यूस स्लैब, टू वे कंटिन्यूस स्लैब और टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है, अगर वॉल का लोड है, ठीक है। तो अब पर्टिकुलर बीम पे कौन कौन से लोड्स आएंगे ये हम ऑलरेडी शीट डिज़ाइन कर चुके हैं, वो वीडियो जिसने नहीं देखा है आपके डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कि एक्चुअल लोड कितना आता है कॉलम पे, ये शीट के थ्रू, उसी सेम शीट के थ्रू हमने कैसे निकाला है, और फाइनल जो इस पर्टिकुलर C1 पे, C2 पे, C3 पे लोड आएगा, ठीक है, या C10 पे लोड आएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देख लेते हैं, ये हमारी B1, B2, B3, B4 और B5, ये एक मोनोलिथिक सिंगल कास्ट होगा ये बीम, ठीक है। तो कंटिन्यूस बीम है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 स्पैन है और 5 स्पैन कंटिन्यूस बीम है। तो 5 स्पैन कंटिन्यूस बीम का हमने जो डिज़ाइन शीट करी थी उसे हम ओपन करेंगे, ये। तो ये 5 स्पैन है, इसमें क्या है, हमने अपने स्पैन का लेंथ डालना है। FCK FY हम यहाँ पे से देख लेंगे क्या है, तो हमारा F25 था, FY कितना था हमारा, 415 था, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट कोफिशियंट यहाँ टेबल से ले लेंगे, 0.138 उठता है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी लेंथ डाली थी, लेंथ हमारी यही है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर D और 4.5 मीटर, चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेंथ सेम है। अच्छा, मेन है लोड, जो ये लोड आएगा बीम पे। अब बीम पे लोड कैसे आता है, ये स्लैब का लोड आएगा, ठीक है। अगर ये क्या है, वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो हाफ लोड इधर ट्रांसफ़र होगा और हाफ इस बीम पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। लोड कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको लोड पता लग जाएगा बीम पे लोड कैसे आता है। तो अगर हमें लोड पता है यहाँ पे बी1, बी2, बी3, बी4, बी5 पे, तो हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इस पर रिएक्शंस आएंगे। तो जो रिएक्शंस आएंगे वो रिएक्शंस क्या होंगे, कॉलम पे लोड का काम करेंगे, यानी उस पर्टिकुलर कॉलम पे अगर बीम पे जो रिएक्शंस आएंगे कंटिन्यूस बीम पे, वो कॉलम पे लोड का काम करेंगे। तो देख लेते हैं, 3 मीटर के स्पैन है, 230 बाय 450 का हमने डेप्थ प्रोवाइड किया है, क्लियर कवर 25 mm बीम के केस में, एज्यूम डाया 20, ठीक है। लोड देख लेते हैं, अब हमें सिंपली अपना लोड डालना, B1, B2, B3, B4, B5, 21.33 है इन चारों बीम पे, ठीक है। इसमें वॉल लोड आएगा, ये पैरापेट का लोड भी आएगा, ये वॉल लोड आएगा, तो यहाँ पे लोड ज़्यादा आ गया, यहाँ पे 35.41। तो यहाँ पे हम डालेंगे, लोड हमने चेंज किया, कितना था, 21.33, ठीक है, 21.33, यहाँ पे भी 21.33, ठीक है, यहाँ पे 21.33, ठीक है, और ये लास्ट में 35.41। अभी जो एक्सेल शीट हमने 5 स्पैन के लिए डिज़ाइन करी थी, इसमें हमें रिएक्शंस भी ये देता है, ठीक है। जो रिएक्शंस यहाँ पे आएंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉलम पे लोड होंगे, लोड का काम करेंगे, ठीक है। तो आर ए पे रिएक्शन 32.20, चेक कर लेते हैं, 32.19, ठीक है, 63.06, ठीक है, यहाँ पे आपने यही लोड वहाँ पे लिखना है, 67.52, ठीक है। तो इस पे कितना आ रहा है, 115, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, ई सपोर्ट पे आर ई वन और आर ई टू का दोनों का जोड़ के जो आएगा लोड 115, वो लेना है आपने, ठीक है, ये वाला लोड। सपोज हमने डिज़ाइन भी किया, तो यहाँ पे ये जो आएगा
वाला लोड हमें वहाँ पे लेना है 115.82। तो 115.8 यहाँ पे लिख लिया, और C6 पे क्या लोड आएगा, 85.98। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे इसके अकॉर्डिंग। अच्छा सपोज अब B6, B7, B8, B9, B10 सिमिलर, ठीक है, इसमें आप लोड देख लेंगे क्या आ रहा है, 14.43 आ रहा है और 49.19 आ रहा है B10 पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्लैब का लोड भी इस पे आएगा और यहाँ पे वॉल लोड भी एक्स्ट्रा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे लोड बढ़ गया। तो 14.43 हम डाल देते हैं, यहाँ पे हमने 14.43 डाला, ठीक है, 14.43 यहाँ पे भी 14.43 और यहाँ पे कितना आ रहा है B10 पे 49.19 49.19। ठीक है, तो रिएक्शन देखिए आ गए हमारे RA पे 21.98, ठीक है, इस पे B सपोर्ट पे, ठीक है, हमारा 41.76। चेक कर लेते हैं 21.98, 41.76, ठीक है, 49.11, 21.40, ये इस तरीके से आपने लिख देने हैं जैसे ही आपके। अच्छा यहाँ पे 139.18 यहाँ पे लिख दोगे 139.18 और यहाँ पे आपका आया 121.09, 121.09। इसी तरीके से ये भी 5 स्पैन है, तो यहाँ पे हम डालेंगे तो ये हमारे लोड आ जाएंगे, हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। ये 5 स्पैन हो गया। अब इसमें हम देखेंगे हमारा सिंगली रिइंफोर्स बीम कौन सी है, दो सपोर्ट पे रेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे सिंगली रिइंफोर्स बीम के लिए हमने शीट डिज़ाइन करी थी, ठीक है, 4.5 मीटर यहाँ पे हमने लेंथ डाली है। लोड हम यहाँ से देख लेते हैं B11 पे कितना लोड आया, B11 पे लोड आया 31.42, ठीक है, 31.42। यहाँ पे रिएक्शंस क्या आ गई, WuL/2 होता है, ठीक है, फैक्टर्ड लोड लिया है हमने, तो यहाँ पे 70.70 और यहाँ पे भी, क्योंकि हाफ लोड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, हाफ इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया 70.70। अब जब B19, B20 और B21, ये इनका स्पैन ज़्यादा है, 10 मीटर का स्पैन है, तो ये डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम हमने डिज़ाइन करा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 10 मीटर का स्पैन है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे स्पैन अगर हम चेंज करते हैं तो ये आपका रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी, इसलिए 10 मीटर का हमने स्पैन लिया है। ठीक है, 230x750 का बीम का डेप्थ लिया है, ठीक है, 30 mm क्लियर कवर है, 20 mm डाया है, एफ सी के हमारा 25 है, FI 415 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना लोड डाला, लोड देख लेते हैं, B19, B20 या B21 दोनों तीनों क्या है, डबल रिइंफोर्स बीम हमने डिज़ाइन किए थे, तो 34.03 हमने यहाँ पे लोड डाला। जैसे ही हमने यहाँ लोड डाला तो यहाँ रिएक्शंस आ गए 170.15। ठीक है, ये कैसे आएंगे, WuL/2 जो लेंथ है उस डिवाइड बाई 2, हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिए 170.18 या 15 जो भी है आप चेंज कर लेना। ठीक है, 170.15 यहाँ पे भी आधा इधर ट्रांसफर होगा, आधा इधर सिमिलर इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला B17 और B18, ये कंटिन्यूस बीम है पर क्या है, अनइक्वल स्पैन है और अनइक्वल लोड है। ठीक है, तो इसके लिए हमने शीट डिज़ाइन करी थी, अनइक्वल स्पैन अनइक्वल लोड। ठीक है, 10 मीटर का स्पैन है, देखिए 10 मीटर इधर से है, 2.5 मीटर इधर है, तो हमने यहाँ पे 10 मीटर डाल दिया, 2.5 मीटर, इसका जो डेप्थ है 750 है, इसका डेप्थ है 450, क्योंकि स्पैन छोटा है तो हमने 450 लिया था। ठीक है, अगर आप चेंज करोगे चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लोड देख लेते हैं, 17 और 18 पे लोड देखना है, लोड हमारा जो आया था 27.15 और 15 आया था 18 पे, तो हमने यहाँ पे ये डाला 27.15 और 15 डाला, तो रिएक्शंस क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज चेंज करते हो तो रिएक्शंस देखना चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 27.15 डाला, तो हमारे रिएक्शंस हैं RA पे 117.49। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, इन दोनों का सबमिशन
बी सपोर्ट पे 245.78, यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया, और 54.28 ये नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ इसे लग रहा है यहाँ पे 54.28। ठीक है, इन दिनों के रिएक्शंस नोट डाउन कर लिए, बीम के रिएक्शंस यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। ठीक है, ऐसे डबली रिइंफोर्स बीम के हमने रिएक्शंस नोट डाउन कर लिए। ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स बीम हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये बीम के कारण आया, ये हम देख लेते हैं। टू स्पैन जो इक्वल स्पैन होते हैं उसके लिए भी हमने एक्सेल शीट डिज़ाइन करी थी। इक्वल स्पैन है, इक्वल लोड आ रहा है उसमें, तो वो देख लेते हैं। 5 5 मीटर का है, 230 बाय 450, 230 बाय 450 का डेप्थ है। ठीक है, लोड देख लेते हैं। सपोज 22 और 23 में हम लोड देख लेते हैं, बीम 22 और 23 में 32.75। ठीक है, 32.75 डाला, रिएक्शन आए 61.41, हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। ठीक है, और 204.69 और 61.41। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इसे डिजाइन कर लेंगे, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। तो फाइनल जो लोड आएगा वो कैसे आएगा, फाइनल लोड जो होगा वो हमारा C7 पे इन दोनों का सबमिशन आएगा। ठीक है, इन दोनों को आप सबमिशन कर लोगे तो इस कॉलम पे ये फाइनल लोड आएगा। C11 पे देखते हैं, तो C11 पे क्या आएगा, कंटिन्यूस बीम के कारण ही आया। ये एक स्टेयर केस है, तो स्टेयर केस में एक लोड स्टेयर केस का भी आएगा, तो ये दोनों लोड आए। ठीक है, और ये बीम जो है कंटिन्यूस बीम है, दो स्पैन है, तो 61.41 है, तो इन तीनों का सबमिशन जो होगा इस कॉलम पे लोड है। क्लियर? ठीक है, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, और जो एडिशन के बाद जो लोड आएगा दैट विल कम ऑन C11। ठीक है, तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आपने क्या करना है, शीट्स में अपना डाटा डालना है, उसके बाद जो रिएक्शंस आएंगे दैट विल बी द लोड ऑन द कॉलम। ठीक है, हर साइड से आपने रिएक्शंस निकालना है, उसके बाद इन दोनों का सबमिशन कर देना है। अच्छा, एक एक कन्फ्यूजन और है कि हमें जब भी हमें प्लान लेना है अपना, हमें जो नॉमेनक्लेचर करना है लेफ्ट टू राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे B1, B2, B3, B4, B5, 6 7 8 9 10, फिर 11, ठीक है, 12 13 14 15 16, फिर लेफ्ट टू राइट 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम C1 फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, C1, C2, C3, C4, C5, कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर C7, C8, C9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब ये हमने कॉलम्स पे लोड निकाल लिए, उसके बाद हमने एक वीडियो में समझाया था कि एक्सेल लोडेड कॉलम कौन से होते हैं, और उसके अलावा अगर यूनिएक्सेल बेंडिंग लग रहा है, ठीक है, या बाई एक्सियल बेंडिंग लग रहा है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस केस में C2, C3, C4 जो है एक्सियली लोडेड कॉलम है, इसमें कोई भी यूनिएक्सियल बेंडिंग नहीं लग रहा है या बाई एक्सियल बेंडिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज इसके अपोजिट जो स्पैन्स हैं, ओनली टू स्पैन्स आर देयर, अपोजिट स्पैन्स क्या है, इक्वल हैं, इक्वली लोडेड आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सियली लोडेड कॉलम आएंगे। ठीक है, यूनिएक्सियल बेंडिंग किस में लगता है, MUX होगा या MUY होगा, जहाँ दो से ज़्यादा स्पैन एक पर्टिकुलर कॉलम पे कनेक्ट हो रहे हो, जैसे C8 हो गया, C9 हो गया, C10 हो गया, बट जो अपोजिट स्पैन है वो इक्वल हो और जो थर्ड स्पैन है वो अनइक्वल हो। ठीक है, तो ये अगर वाई डायरेक्शन में लगा है तो एक्स डायरेक्शन में बेंडिंग देगा, MUX। ठीक है, और अगर ये एक्स डायरेक्शन में लगा होता तो MUY देगा। C8, C9, C10, इसी तरीके से C16, 17 और 18, C13, यहाँ पे देखिए तीन स्पैन यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों इक्वल स्पैन है अपोजिट, और ये 4.5 मीटर का है, तो ये एक्स डायरेक्शन में कनेक्ट है, तो ये MUY देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाईएक्सियल बेंडिंग देखें, कौन कौन से कॉलम MUX भी देंगे और MUY भी देंगे, दोनों देंगे, एक्सियल लोडेड तो है ही, जैसे ये C1 है, C1 पे टोटल लोड क्या आएगा, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये लोड आ जाएगा, उसके बाद
क्या है ये एक्स डायरेक्शन में कॉर्नर्स के कॉलम है सी सिक्स सी ट्वेंटी एंड सी फिफ्टीन, तो इनमें डाईएक्सियल बेंडिंग आएगी ठीक है। और इसके अलावा अगर ये एक्स डायरेक्शन में ये वाला बीम कनेक्ट है तो ये एम यू वाई क्रिएट करेगा, और ये अगर वाई डायरेक्शन में कनेक्ट है ये एम यू एक्स क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एम यू एक्स एम यू वाई बाईएक्सियल बेंडिंग कैसे निकालते हैं कॉलम पे। एक्सियल लोड तो हमने निकाल लिया, पर उसके अलावा अगर यूनिएक्सियल बेंडिंग निकालना है और बाईएक्सियल बेंडिंग निकालना है या एम यू एक्स और एम यू वाई की वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे ठीक है। ये हम मैरिज हॉल जो डिज़ाइन कर रहे हैं सिंगल स्टोरी है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सेल शीट्स में हम जी प्लस वन स्टोरी के लिए भी करेंगे। कंसेप्ट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है। स्पैन चेंज हो सकता है हमारा ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स बीम है तो वहाँ पे भी इसी तरीके से डिज़ाइन होगी ठीक है। ये एक्सेल शीट जो हमने डिज़ाइन करी है ये इफेक्टिव स्पैन निकाल के फिर बेंडिंग मोमेंट निकलेंगे, फिर टेंशन स्टील, फिर कंप्रेशन स्टील, डिफ्लेक्शन चेक होगा, शेयर रिइंफोर्समेंट चेक हो जाएगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ चेक हो जाएगी ठीक है। और ये हमारा शीट डिज़ाइन होके तैयार हो जाएगी। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फॉर मोर डिज़ाइन वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।